रहा हूँ व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को आप कैसे रीड कर सकते हैं, ऐसे में क्या होता है? आपके पास सारे काफी सारे व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे और उनमें से कई ऐसे मैसेज होते होंगे जो आपको डिलीटेड मैसेज शो होते होंगे। तो मेरा नाम यासीन हसन है दोस्तों, और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु चैनल को। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्टिंग से एंड तक आप इस डिलीटेड व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को आप रीड कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ डिलीटेड मैसेज को आप कैसे रीड कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर दिस इज़ मैसेज वॉट डिलीटेड, मतलब वहाँ ऐसा कुछ मैसेज आपको दिया गया था, फिर उन्होंने आपको मैसेज डिलीटेड कर दिया। और इस केस में क्या होता है, आप इस मैसेज को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या मैसेज था, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज या ऐसा क्या था कि आप यहाँ पर रीड मतलब डिलीटेड हो चुका है। और आप तो इस केस में मैं आपको एक ईजी ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसको कैसे रीड कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आप डिलीटेड मैसेज को रीड कर पाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम के लिए आपको जो जाना है प्ले स्टोर पे जाना है। आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐसे करके हिस्ट्री मतलब ये आपका शो हो रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको आपको सर्च करना है। टाइप ये जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन हिस्ट्री ओपन होकर आ रहा है ब्लू कलर का, आपको इसे ओपन कर लेना है। और उसके बाद इसे प्रॉपर आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है इसको। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाए तो इसको आपको ओपन कर लेना है। और जैसे दोस्तों ये आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है आपको, सेटिंग इसी पेज को ओपन होने के बाद करनी है आपको। यहाँ पर एनेबल करना है, ये आपका डिसेबल दिखा रहा है यहाँ पर साइड में, एसेसबिलिटी सर्विस एंड डिसेबल्ड, इसे एनेबल्ड करना है। तो यहाँ हम एनेबल्ड करते हैं इसको। तो हमें यहाँ पर जाना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री में और इसको एनेबल्ड कर देते हैं। साथ में हमें सेकंड थिंग, ये देखिए हमारा एनेबल्ड हो गया है। अब इसी तरीके से इसको भी हम एनेबल्ड कर देते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री को। हेलो, हो गया है ये आपका नोटिफिकेशन हिस्ट्री एनेबल्ड हो गया है आपका। अब इस केस में आपकी ये सेटिंग हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। और जैसे कि दोस्तों अब आपको कोई भी व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेज आते हैं तो आप उसको रीड कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको ट्राई के लिए दिखा देता हूँ, इसके बाद जो भी मैसेज आएंगे इस ऐप को इंस्टॉलेशन और प्रॉपर इसको सेटिंग करने के बाद, इसके बाद हम देखेंगे हमें ये मैसेज जो है नीचे का सबसे नीचे डिलीटेड आ रहा है मैसेज, दिस इज मैसेज वॉट डिलीटेड। इस केस में आप करेंगे कैसे, आपको एक आप रीड आप कर पाएंगे, आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर जाना है जो हमने इंस्टॉलेशन की थी नोटिफिकेशन हिस्ट्री में। और जैसे कि आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे जाएंगे और जैसे कि जो डिलीटेड मैसेज आ रहा था, जैसे कि मुझे यहाँ देखने को मिला कि ये यासीन भाई जो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर रहे थे उसमें क्या ऐसा डिलीटेड था, इसे ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने जो सामने से मुझे डिलीटेड मैसेज लिख कर करे थे वो ये था, हेलो ब्रो। तो ये आप रीड कर पाए कि हाँ भाई उन्होंने जो लिखा था हेलो ब्रो करके डिलीटेड कर दिए थे। तो ये मैसेज आप रीड कर पाए, ये देखिए ये मैसेज था वहाँ पर जो आपका डिलीटेड दिखा रहा था इस जगह पर, जो ये लास्ट में नीचे ये सबसे आखिरी मैसेज। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ओपन करके अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट्स नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाने के बाद जिस पर्सन का मैसेज डिलीटेड दिख रहा है उसको ओपन करना है आपको, और आप लास्ट देख सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला मैसेज था हेलो ब्रो, और डिलीटेड मैसेज का टाइमिंग दिखा रहा है और डेट और टाइमिंग की है, इतना टाइम पे ये मैसेज डिलीट किया गया था और ये मैसेज था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।